एक बार फिर सक्रिय हुए साइबर ठग, ठगी का निकाला एक नया रास्ता। एमएनए बनकर ठग कर रहे हैं फोन, अलग अलग कारणों से मांग रहे पैसा। अज्ञात व्यक्ति बनता है पीए, फिर करवाता है फर्जी एमएलए से बात। एमएलए की पहचान और जानकारी का हो रहा दुरुपयोग। कैसा है ठगी का ये नया रास्ता, सुनाते हैं आपको। रोहतक से एमएलए साहब के यहाँ से भूषण पत्र जिसके यहाँ से उनका पीएस सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी को मैंने पेमेंट डालना है। आज जब सुबह मैं उठी तो सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह अपना मोबाइल देखा और मैंने देखा कि मेरी एक दोस्त मुझे लगातार कॉल की जा रही है। मैंने उसका कॉल उठाया, उसकी आवाज एकदम डरी हुई सी आवाज लग रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे उसके पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि उसके घर एक डिलीवरी बॉय आया था। उस वक्त वह घर पर बिल्कुल अकेली थी। डिलीवरी बॉय ने कहा कि आपका एक पार्सल आया है। उसने कहा कि मैंने तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया ही नहीं, तो पार्सल कैसे आ सकता है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच जिद बहस चली। डिलीवरी बॉय ने कहा कि आपने ऑर्डर नहीं किया है तो आप कैंसिल कर दीजिए। मेरी दोस्त ने भी ऑर्डर कैंसिल करने को कह दिया। डिलीवरी वाले ने कैंसिल कोड उसके फ़ोन पर भेजा। दोस्त ने वो OTP डिलीवरी बॉय को बता दिया और फिर वे वहाँ से चला गया। और फिर कुछ देर में उसके पास मैसेज आने लगे उसके अकाउंट से पैसे कटने के, पहले 20,000 का और फिर 20,000 का। ऐसे करके उसके पास 4 मैसेज आए और उसका अकाउंट पूरी तरह से खाली हो गया। वो हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हुआ। तब तक उसको समझ आ गया था कि उसके साथ स्कैम हो गया है। उसने तुरंत ही साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कुछ भी हल नहीं निकल पाया है। उसने मुझे सारी बातें बताई तो एक बात तो मैं खुद भी ये सोचने लगी कि लोग किस किस तरह से साइबर ठगी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को कैसे बलि का बकरा बना रहे हैं और ना जाने कितने ही लोगों की मेहनत की कमाई पर साइबर ठग पानी फेर रहे हैं। साइबर ठग जिस तरह से लोगों को ठग रहे हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। साइबर ठग अब इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता और उनका बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है। साइबर ठग कभी कॉल करके तो कभी घर की चौखट पर पहुंचकर लोगों को लूट रहे हैं और ना जाने कितने लोगों को चूना लगा रहे हैं। देश में जितनी तेजी से डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। और अब तो साइबर ठगों ने अपने ठगी के तरीके को भी चेंज कर लिया है। अब साइबर ठग एमएलए बनकर ठगी कर रहे हैं। ऐसी ही एक कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं, सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी सर, येलो से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, यस यस, येलो से बात कर रहे हैं सर। वो आपका नाम क्या, व्हाट्स योर नेम प्लीज? अभिषेक। या आप ओनर हैं इसके? बिल्कुल सर। भरत भूषण बत्रा जी के यहाँ से बोल रहा हूँ सर। मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? रोहतक से एमएलए साहब के यहाँ से भरत भूषण बत्रा जी के यहाँ से उनका पीएसओ बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। ने बात करनी है आपसे, करा दूँ प्लीज? ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कराइए सर। आपका नाम अभिषेक बताया ना आपने? हाँ जी। हेलो हेलो अभिषेक जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ जी, जी नमस्कार। बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए। सॉरी आपको लेट आवर्स डिस्टर्ब किया। कोई दिक्कत नहीं सर। एक ना यूनिवर्सिटी को मेरे को पेमेंट डालना है, पॉसिबल है आपके यहाँ से? हो जाएगा अभी? कहाँ के लिए? यूनिवर्सिटी है, पंजाब की यूनिवर्सिटी है। ओके, हेलो सुन पा रहे हैं अभिषेक जी आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी को मैंने पेमेंट डालना है। ओके, मेरे को रिलेटिव हैं, उनके डॉटर की यूनिवर्सिटी की फीस पेंडिंग है। ओके ओके, एंड लिटिल इट्स अ माइनर अमाउंट, 14,000-15,000 के आसपास है। तो वो बैंक क्लोज हो गया और मेरे पॉलिटिकल अकाउंट से मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके यहाँ से हो सकता है तो प्लीज। मैं कैश नहीं सर, ऐसा तो सर मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ। तो अभी कैश तो हो नहीं पाएगा। मैं तो आउट ऑफ सिटी हूँ सर अभी।
अभी तो हो नहीं पाएगा। नहीं आप तो सिटी तो हैं, अगर ऑनलाइन आपके यहाँ से हो जाए मैं कैश आपके कहीं कहाँ भिजवाना है कैश में भिजवा। नहीं नहीं सर ऐसे प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना कंपनी वाले से। मतलब नहीं ऐसे प्रोसेस नहीं हो पाएगा सर, अमाउंट कहीं पे डालना है ऐसे तो। कोई नहीं ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक। इस रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि कैसे एक एमएलए बनकर साइबर ठगी करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपने इरादों में नाकाम हो जाता है। साइबर ठग अलग अलग तरह से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टेक्नोलॉजी देश में क्रांति तो लेकर आई है लेकिन इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, खासकर साइबर ठगी में एआई का इस्तेमाल। बीते कुछ महीनों में एआई के माध्यम से ठगी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह की ठगी में जालसाज आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर आपकी फोटो या फिर आवाज कॉपी कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी आवाज में मदद के लिए वॉइस मैसेज बनाते हैं, फिर उसी के जरिए आपके पहचान के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। खास बात यह होती है कि जालसाजों की इस तकनीक का पता शिकार के खास रिश्तेदार को पता नहीं चल पाता और झांसे में आकर वह सामने वाले के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देता है। इस तरह की ठगी का शिकार कई पुलिस अफसर, जज और पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं। वहीं दूसरा तरीका भी है साइबर ठगी का। आपको बता दें कि थाईलैंड, म्यांमार और मलेशिया में बैठे साइबर अपराधी हिडन ऐप का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहे हैं। ये ठग शॉर्ट टाइम में अधिक पैसा कमाने या फिर अन्य लुभावने वायदे देकर आपके मोबाइल पर एक लिंक भेज देते हैं। जैसे ही लिंक क्लिक होता है हिडन ऐप का काम शुरू हो जाता है। ये ऐप इंस्टॉल किए बिना मोबाइल या लैपटॉप मालिक की जानकारी के ही हो जाते हैं, जिसके बाद मोबाइल का डेटा पूरा एक्सेस अपराधियों के पास होता है। मोबाइल तो शिकार के पास होता है लेकिन उसका इस्तेमाल साइबर अपराधी करते हैं और फिर मोबाइल नंबर से लिंक खातों से रुपए उड़ा दिए जाते हैं। वहीं मोबाइल में मिस कॉल कर साइबर ठगी करने का यह भी एक नया तरीका सामने आया है। इसमें साइबर ठग टारगेट को कई बार मिस कॉल करते हैं जिसके बाद टारगेट का मोबाइल नेटवर्क चला जाता है, बस इसी दौरान रुपए उड़ा लेते हैं। साइबर पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस तरह की ठगी सिम स्वैपिंग के जरिए हो रही है, जिसमें जालसाज मिस कॉल करने के बाद टारगेट के नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं और उस सिम को अपने फोन में लगाते हैं। डुप्लीकेट सिम निकलते ही टारगेट का सिम बंद हो जाता है, जिसके बाद ठग पैसे ट्रांसफर करते हैं जिसका ओटीपी शिकार के पास पहुंचता ही नहीं है। साइबर ठग अब तो नए नए तरीके निकाल रहे हैं। दुनिया में अधिकांश लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। साइबर अपराधी व्हाट्सएप में अलग अलग तीन तरह की ठगी करते हैं। इसमें पार्ट टाइम अधिक कमाई का झांसा देकर एक लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। अब जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं एक ओटीपी आता है जिसे ठग मांग लेते हैं। उस ओटीपी को डालते ही ठगी के पास से सामने वाले के व्हाट्सएप का एक्सेस चला जाता है, जिसके बाद यानी आपके फोन से लॉग आउट होकर उसके फोन में लॉगिन हो जाता है। इसके बाद अपराधी टारगेट के व्हाट्सएप से उसकी जानकारी को मैसेज कर मदद मांगता है, क्योंकि मैसेज आपके नंबर से गया होता है इसलिए लोग इस पर भरोसा करके पैसे भी दे देते हैं। कोरोना काल के बाद सैकड़ों लोगों की नौकरी और बिजनेस खत्म हो गई थी। ऐसे में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने लोन लेना शुरू किया। लोन लेने की होड़ मच गई थी। साइबर अपराधी भी एक्टिव हो गए। उन्होंने ऐसे लोगों को कॉल करना शुरू किया जिन्हें बैंक ने लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया होता है। ये ठग उन्हें टारगेट करने के लिए कॉल करते हैं और फिर कम अमाउंट में सेटलमेंट कराने का झांसा देते हैं। सेटलमेंट प्रोसेस के लिए एडवांस पैसा जमा कराने के नाम पर ठगी करते हैं। वहीं कई मामलों में ये लोग डिफॉल्टर को पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करते हैं, कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देकर ठग रकम ऐंठ लेते हैं। वहीं महिलाओं को भी अश्लील वीडियो बनाकर लोग ठगी करते हैं। ऐसे में साइबर ठगों से बचना लोगों के लिए बेहद ही मुश्किल हो गया है। तेजी से फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते साल इस मामले में और भी बढ़ावा देखने को मिला। 2022-2023 में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले कुल 11.28 लाख मामले सामने आए हैं। इनको रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से कई बार गाइडलाइन जारी की गई लेकिन फिर भी लोग इस ठगी से बच नहीं पा रहे हैं।
साइबर ठग से सतर्क रहने के लिए सरकार ने अननोन कॉल्स नहीं उठाने के लिए भी कह दिया है, लेकिन साइबर ठगों के पास इतने सारे तरीके हैं कि कोई कैसे बचे। साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। यदि आपके पास सोशल मीडिया में कोई रिक्वेस्ट आए तो उसे वेरीफाई करें, बिना सोचे समझे किसी को पैसा ना भेजें। ठगी का शिकार होने पर सूचना साइबर पुलिस को दें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें। आप बस सावधानी बरतें, सतर्क रहें, नहीं तो जिंदगी भर का पछतावा हो सकता है। किसी भी तरह का OTP शेयर ना करें, किसी भी तरह का कोड डायल ना करें या किसी भी तरह का टेक्स्ट मैसेज का जवाब ना दें। फेसबुक, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से शॉपिंग ना करें, क्योंकि इन साइट से ठगी होने की ज़्यादा संभावना होती है। अनजान नंबर से भेजे गए लिंक को ओपन करके ना देखें। डिलीवरी बॉय के सामने ही पार्सल खोलकर देखें, तभी आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। नहीं तो आप भी किसी साइबर ठग के चंगुल में फंस सकते हैं और आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।